कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। सो पांचवे मैच में पता चला कि न्यूजीलैंड का ताला किस चाबी से खुलता है। सो चीजें ठीक की पाकिस्तान ने, इसलिए कि कुछ हिलजुल थी, कुछ स्ट्रैटेजी थी, कुछ नयापन दिखा, इसलिए कि स्पिनर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ। ये पिच कोई आइडियल पिच नहीं थी और न्यूजीलैंड ने हाफ वे थ्रू ये ऐसा महसूस हमें फिर से करवाया कि कहीं शायद 5-0 कि ये व्हाइट वॉश ना हो जाए, मगर ये बड़ी अच्छी फाइट बैक है। देखिए कुछ भी आपको मिलता है ना, एक मैच भी आप जीत जाते हैं तो ढारस हौसला बन जाता है और फिर आप पॉजिटिव की तरफ दोबारा से आपकी निगाह लग जाती है। और मैं समझता हूँ ये जो हमारी टीम है ये 4-1 के रिजल्ट की टीम नहीं है, ये सीरीज बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। बट क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि हार की लपेट में आ जाए तो फिर आपको जीतना भूल जाता है। सो अब हुआ क्या इस सीरीज में और क्या अच्छी चीज हुई है और क्या बुरी चीज है? बुरी चीजें बहुत सारी हुई हैं, यानी कि अभी लीडरशिप की समझ जो है वो और उसकी जरूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही निखार आता है। हालांकि मैं समझता हूँ T20 में कुछ खास लीडरशिप लगती नहीं है, स्मॉल टोटल्स को डिफेंड करने में जरूर लगती है लीडरशिप, क्योंकि आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस अप फ्रंट एग्जॉस्ट करने पड़ते हैं। बट अदरवाइज एक चाल है जो कि नॉर्मली हर क्रिकेट टीम अपनाती है, पार प्ले की एक स्ट्रैटेजी है, मिडिल फेस की स्ट्रैटेजी, एंड की स्ट्रैटेजी है, आपके पास उसी हिसाब से बॉलर्स और बल्लेबाज होते हैं। सो मगर वही बात है कि अगर फील्डिंग ठीक नहीं होगी, बैटिंग में रन नहीं होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, कॉम्बिनेशन छेड़ेंगे जो इस सीरीज में हुआ है, तो फिर आप एक तरह से आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो गलत क्या चीजें हुई हैं? नंबर वन, आपका जो कोर है ना टीम का, उसको आप कभी नहीं छेड़ते, उसके इर्द गिर्द नए प्लेयर्स खिलाते हैं मगर कोर जो है ना वो वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर शाहिद शाह अफरीदी आपके बॉलिंग का एक मजबूत हिस्सा है तो उनको खेलना है जो कि खेल है वो। इसी तरह से बाबर और रिजवान जो हैं वो किस पोजीशन पे आपको बेस्ट सर्व कर सकते हैं, आपने उनको शायद नहीं छेड़ना था। फिर जो नए लड़के आते हैं उनका रोल डिफाइंड है, वो किस काबिलियत के प्लेयर्स हैं, वो इन कंडीशंस पे कितने को आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या करके दे सकते हैं। असल में जो एक लो था इस सीरीज में वो यही था कि जितने भी हमारे नए प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। सो पता यही चलता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ में वो एक जुनूनियत, वो एक जिसको कहते हैं ना कि टैलेंट, वो ऐसा नहीं है अभी कि वो बाबर या रिजवान को रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ अब्बास एक ऐसी ऑप्शन मिले हैं बॉलिंग में जिससे कि थोड़ा बहुत उम्मीद की किरण निखरी है, क्योंकि उनमें एक नेचुरल एबिलिटी है, उनका एक्शन अच्छा है, स्पीड बेहतर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आई थिंक और ज्यादा वैरायटीज ऐड करेंगे वो। बट अदरवाइज अगर आपके हारिस रऊफ 12th मैन बन सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि बॉलिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो भी हर्ट हो गया है, बैटिंग का कॉम्बिनेशन आपने खाम खा से हर्ट कर दिया, क्योंकि फखर जमान, देखें जब फील्ड खुल जाती है तो फखर जमान की इफादियत, एफिकेसी जिसको कहते हैं, वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो ऊंची हिट मारनी है, हवा में हिट मारनी है और उसके चांसेस पर 50-50 हो जाते हैं। इसी तरह से जब फील्ड खुल जाती है तो बाबर आजम की बैटिंग जो है, जहां पे उनको अलोंग द ग्राउंड चौके मिलते हैं पहले 6 ओवर्स में अगर वो ओपन करते हैं, वो भी एक तरह से एक तरह से उनकी भी लिमिटेड सी एक ऑपरेशंस हो जाते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर जो है वो आपको कोई भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि वर्ल्ड कप ईयर में आपको पता नहीं है कि बेस्ट मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस क्या हैं, बॉलिंग में आपको अभी तक पता नहीं है कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि इस मैच में तो इफ्तिखार ने आपको एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे अपनी खूबी से आपको एक दफा फिर से बताया है कि उनमें भी जरासीम है एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर ऑप्शन के, मगर उनको पहले आजमाना चाहिए था, पहले मैचेस में ये चांसेस लेने चाहिए थे, खासतौर में पिछले मैच में जहां पे इसी किस्म की ये पिच थी जैसे इस मैच में थी। सो आपकी जो बॉलिंग है, आपकी जो फील्डिंग है, आपके जो नए प्लेयर्स हैं, ये जो है इनके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। और वही बात है, टैलेंट को परखना है कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे, किस खित्ते में, किस टेरिटरी में, किन कंडीशंस में आप उसको इंट्रोड्यूस करें और वो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। असल में पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटल स्टेज का मतलब कि ये हो गया हुआ है कि आपने प्लेयर्स खिला देने और फिर रिजल्ट की आप फिक्र ना करें, क्योंकि रिजल्ट्स हमें मिलने वाले नहीं है। अगर इस माइंडसेट से आप खेलेंगे तो फैंस आपसे रूठ जाएंगे, ये सारे सिस्टम को धचका लगता है, आप अपने आप को सेकेंड गेस करना शुरू कर देते हैं और फिर आपकी रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा धचका लगता है इंटरनेशनल सर्किट में, क्योंकि हार की हेडलाइंस लगती हैं,
जीतने की हेडलाइंस तो लगती हैं मगर हार की ज्यादा लगती हैं अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। सो इसके ऊपर पाकिस्तान को काबू पाना है और मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्लैरिटी मिली है सीरीज के बाद। आपको तो ये देखना था ना कि नए प्लेयर्स में कितना दमखम है, क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं, स्ट्राइक रेट का फोबिया जो इस खाम का है इस टीम के थिंक टैंक को चढ़ गया है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस बेस के ऊपर स्ट्राइक रेट का फोबिया चढ़ा लिया जब आपको पता है कि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। जो नए प्लेयर्स भी हैं उनको भी समझ नहीं है कि अपने आप को चांस देना है और थोड़ा सा आपको रिस्क फ्री बैटिंग के थ्रू आपको स्ट्राइक रेट डेवलप करना है। ये नहीं हो सकता कि आप 50-50 चांस ले हर बॉल के ऊपर, क्योंकि अच्छी टीम जो है वो आपको फिर भांप लेंगी और आउट कर देंगी। सो वो आप स्ट्राइक रेट की को एक तरफ रखते हैं, उसके बाद मैच आप हार जाते हैं क्योंकि वो 15-20 रन के बाद आउट हो गया अगर प्लेयर, तो उसका फायदा क्या हुआ अगर उसने 8 बॉलों में भी 15 रन कर दिए। तो इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है कि पार्टनरशिप जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो जो मर्जी क्रिकेट हो उसके वही रहते हैं, पार्टनरशिप्स का फायदा है। अकलमंदी से खेलना, सिचुएशन को सामने रख के उसको देख के ही फिर आप प्लेयर बनते हैं ना। सो जो हमारे नए प्लेयर्स हैं वो सिचुएशन को सामने रखते हुए भी आई थिंक वो भी उनको आइडिया नहीं है। सो एक तरह से ये जो सर्किट है इसमें इंटेलिजेंस आनी है, इसमें गेम अवेयरनेस आनी है, इसमें अपने पोटेंशियल को ढांपना है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि कौन से परसेंट, कितने परसेंट आपको चांस लेने हैं, आप पे प्रेशर जब पड़ता है तो आपकी अपनी गेम में क्या प्रॉब्लम्स या फॉल्ट लाइंस डेवलप हो जाती हैं। सायम अय्यूब आपके सामने एक ग्रेट एग्जांपल है, टेक ऑफ करने की कोशिश की उन्होंने मगर जहां पे वो फंसे, जहां पे स्कोर नहीं किया उन्होंने, वो गेम बदलने की कोशिश कर दी और फिर उसका कॉन्फिडेंस भी शटर हो गया। इसी तरह से दो तीन आजम खान है, उनका रोल जो है वो मुझे अभी तक डिफाइंड नहीं है कि क्या करना है उन्होंने। वो मिडिल ऑर्डर में आके क्या उन्होंने सिर्फ छक्के मारने हैं, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी बैटिंग को आगे लेके जाना है, क्योंकि पोटेंशियल जाया कर रहे हैं ये प्लेयर्स जो हैं। इनमें पोटेंशियल है मगर जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन और रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान टीम रिसीविंग एंड पे होगी और फिर वही बात हो जाएगी कि दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाके और उसी तरह से आपको टीम लिखनी पड़ेगी जैसे कि 2-3 साल पहले लिखते चले आ रहे हैं। मैं अभी भी समझता हूं कि जगह है नए प्लेयर्स को ऐड करने के लिए मगर उनका रोल्स डिफाइन होना चाहिए, उनका टैलेंट अच्छी तरह से परखना चाहिए, किस सिचुएशन पे कौन सा प्लेयर बेहतरीन आपको फायदा दे सकता है और ओवरऑल माहौल जो है उसको और पॉजिटिव करना है। इस वक्त बहुत टर्बुलेंस है, आपको पता है जो क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त चीजें चल रही हैं। सो ये नहीं होना चाहिए कि जो भी कोई नया बॉस आता है या टीम को जो बॉस करता है या जो लीडरशिप नहीं आती है वो बिल्कुल ही बेसिक से हट के कुछ इस तरह से आउटरेजियस किस्म के डिसीजन करना शुरू कर दें कि जिससे कि पता ये चले कि हर वक्त हमारी क्रिकेट जो है वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि हम या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहे हैं और वो जो चीजें हम अच्छी करते हैं वो भी भूल जाए। तो पाकिस्तान को ये समझना है कि जीत इंपॉर्टेंट है, शाहिन शाह अफरीदी को ये समझना है कि उनकी कप्तानी में जीतना इंपॉर्टेंट है। ये हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे लोगों को प्लीज नहीं कर सकते और लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये तो हम देखे ना चूज कर रहे थे कि कौन सी हमारी बेंच स्ट्रेंथ पे आगे चल के हमें वर्ल्ड कप में फायदा दे सकता है। वर्ल्ड कप में फायदा आपको तभी मिलेगा अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और कॉन्फिडेंस कैसे हाई होगा जब आप जीतेंगे।